देश की राजधानी दिल्ली में तिपहिया वाहन ऑटो के लिए प्रति किलोमीटर पर किराए में 1.5 रुपये और टैक्सियों के लिए बेस फेयर में 15 रुपये की बढ़ोतरी के प्रस्ताव के साथ ही ऑटो रिक्शा और टैक्सी का भाड़ा जल्द बढ़ाने जा रहा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा है कि किराए में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को संवैधानिक मंजूरी दे दी गई है और अगली बैठक में उसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के सामने पेश किए जाने की संभावना है। तो वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बात की पुष्टि की है कि सरकार किराया बढ़ाने की योजना बना रही है। अधिकारियों के अनुसार CNG के दाम बढ़ने के कारण किराए में बढ़ोतरी की जरूरत हुई है। आपको बता दें कि सरकार ने अप्रैल में 13 संसदीय किराया संशोधन समिति बनाई थी। समिति में तिपहिया वाहन के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 रुपये की बढ़ोतरी और टैक्सी किराए में 60% तक बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। तो वहीं अधिकारियों ने बताया है कि ऑटो रिक्शा के लिए मीटर डाउन शुल्क पहले 25 रुपये बेस फेयर से बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया जाएगा और इसके अलावा प्रति किलोमीटर 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये किराया वसूला जाएगा। इसी प्रकार टैक्सियों के लिए मीटर डाउन शुल्क 25 के बजाय 40 रुपये होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।